खबर रीवा जिले से है, जहां घर से ट्यूशन के लिए निकली नाबालिग छात्रा वापस घर नहीं पहुंची। परिजनों ने बताया, 1 दिसंबर 2022 को छात्रा का अपहरण सत्यम सिंह के पिता जितेन सिंह ग्राम डीही के द्वारा कर लिया गया है। परिजनों के द्वारा खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। आपको बता दें, पीड़ित के द्वारा थाना सुहागी एवं SDOP त्योंथर को नामजद शिकायत की गई थी, किंतु थाना सुहागी की TI अपहरण करने वाले व्यक्ति सत्यम सिंह का नाम प्रतिवेदन में उल्लिखित न करके उसके स्थान पर अज्ञात व्यक्ति दर्शाकर आज तक आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे फरियादी को बहुत अधिक आहत हुआ। फरियादी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। सर, मेरा बच्ची 1 तारीख को ट्यूशन गई, ट्यूशन नहीं पहुंची, और फिर मेरे पास वो लड़के का पिताजी का फ़ोन आया सुबह में 9:45 पे। फ़ोन किया तो डायरेक्ट यही बोलता है कि मेरे बच्चे को कहाँ मेरे बाप फेंकवा दिए। मैं उसको यही जवाब दिया कि मैं तो बम्बई में, मेरे को क्या मालूम, तुम जानो वहाँ पे। तो बोलता है कि तुम्हारी बच्ची कहाँ है, मतलब घर पे होगी, ट्यूशन गई होगी, स्कूल गई होगी। तो बोला कि ठीक है, पता लगाओ। फिर पता लगाया तो ट्यूशन नहीं पहुँची। बोला शायद स्कूल 4 बजे छुट्टी होता, 4 बजे तक आ जाएगी। 4 बजे तक उन्होंने इंतजार किया, लेकिन 5 बजे तक बच्ची नहीं आई, तब हम लोग फिर आगे कार्यक्रम किया स्वागी में। तो उधर थाने में FIR दर्ज किया, लेकिन TI साहब ने अपने मन से FIR किया। मैं नाम दर्ज करा, नाम दर्ज नहीं, बोले नाम दर्ज नहीं होएगा, तुम देखे हो क्या, ऐसा करके उन्होंने अपने आप करवा FIR कर दी। जो लड़का है, जो जिस लड़के के नाम आपने FIR करवाया, उसी के पिता आपको फ़ोन करके, हाँ उसी के पिता मेरे पास फ़ोन किया था। हाँ, क्या नाम लड़के का? सत्यम सिंह। सत्यम सिंह जी, वो भी गायब है। वो भी गायब है, उससे कोई संपर्क हुआ अभी तक? वो लोग से बात होता है, उनके लोग से बात, हाँ उनके माँ बाप से बात होता है। अब मैं पूछता हूँ, बोलते फोन लगाता है, बस 2 मिनट बात करता है, काट देता है। आपकी बच्ची से कभी बात हुई? नहीं, मेरे से कभी नहीं हुआ। पुलिस इस मामले में अब तक क्या कुछ किया? कुछ नहीं किया, बोलता जहाँ बताओ वहाँ चलता हूँ, खाली इतना बोलते हैं। जब मैं बताऊँगा तुमको तो तुम किसके लिए हो? साइबर सेल में इसका लड़के का नंबर नहीं दिया गया? सर दिया हूँ, 2-2, 3-3 नंबर दिया हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग बोलते, देखता हूँ जब उस लड़के के पिता से, लड़के से बात हो रहा है, हम कहते ठीक है बंद है मोबाइल, लेकिन 1 मिनट 2 मिनट जो भी बात होता है वो तो लोकेशन में आना चाहिए, उसका भी कोई लोकेशन नहीं मिल रहा है। किस गांव का है? डी चौराहे का है। डी चौराहे जी, कहाँ का है, कहाँ, कौन सा लगता है? थाना वही स्वागी है। अभी क्या चाहते हैं आप इसके साथ के पास? जी सर, क्या चाहते? मैं सब न्याय चाहता हूँ। पुलिस अभी तक लड़के वालों को बातचीत, खाली बुलाया, बुला के पूछताछ किया, छोड़ दिया। अभी तक मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी कार्रवाई नहीं। कब से लापता है? 1 तारीख सर। नमस्कार रीवा, मैं हूँ भानु पंडित। और मैं हूँ अनीता भट्ट, और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।